कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर 3 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर्व में महिलाएं खरना के साथ पर्व की शुरुआत करते हैं। वैसे तो छठ पर्व में उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है, लेकिन इसकी शुरुआत खरना से होती है, जिसमें व्रती महिलाएं मीठे चावल का भोग लगाकर निर्जल व्रत की शुरुआत करती हैं। मंगलवार को जहां डूबते सूर्य की पूजा होगी, वहीं बुधवार को उगते सूर्य की पूजा की जाएगी। श्रद्धालुओं ने बताया कि छठ पूजा का विशेष महत्व है। इसमें शुद्ध मन से व्रत करने वाली व्रतियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर व्रती महिलाओं ने अपने पूजन स्थल को साफ सुथरा किया और उस वेदी की पूजा की जहाँ वो छठ मैया की पूजा करेंगी। ये छठ का व्रत 4 दिन का होता है। कल इसका नहा खा था और आज इसका खरना है। नहा खा में दाल, चने की दाल, घिया और चावल बनते हैं। तो और आज दूसरा दिन है। आज ब्रह्म सरोवर पे आते हैं लोग अपना घाट सींचने के लिए। घाट सींचने के बाद फिर घर जाके मीठे चावल बनते हैं, गुड़ के मीठी खीर बनते हैं। उसके बाद जो व्रती हैं वो अपना व्रत खोलती हैं और उस तीसरे दिन इसका उगते डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और इसका चौथे दिन जो है सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन है और जो व्रती करते हैं वो अपने घर की सुख शांति के लिए, बच्चों की शांति के लिए, अपने पति की, बच्चों की दीर्घायु आयु के लिए करते हैं। तो इससे बहुत घर में शांति भी मिलती है और जो बीमारी सब है वो भी दूर होती है। तो ये व्रत का बहुत ही अच्छा फल मिलता है करने के बाद। क्यों रखा जाता है ये? अपने जैसे घर में बीमारी हो, जिसके बच्चे ना हो, वो भी रखते हैं इसको। इसको रखते ही उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति होती है। जिसके घर में लंबी बीमारी चल रही है वो भी रखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर इतना शुद्ध हो जाता है कि हम जो कहते हैं वो हमारी हो जाती है। तो हम व्रत रखे हैं तो हम भगवान से अर्घ देते हैं और कहते हैं सूर्य देव हमारे घर में सुख शांति दो। जैसे किसी को बच्चा ना हो तो उसको भी बच्चा हो जाता है, और हमारे में जब बच्चा ना हो ना तो हम लोग भीख मांगते हैं, आपसे मांगे, उनसे मांगे, किसी से भी मांगेंगे। हम लोग 10 रुपए, 5 रुपए कनक मांगेंगे, गेहूं मांगेंगे, चावल मांगेंगे, उसको हम चक्की में पीसते हैं। चक्की में पीसने के बाद हम लोग पकवान बनाते हैं। अब ये कहते हैं भगवान हमने अपने आप कुछ नहीं किया है, आपके लिए हम भीख मांग के किया है। हमारे पास हो चाहे ना हो पर आपके व्रत मैं भीख मांग के करी हूँ, इसलिए मेरे व्रत के आधार पे मेरे घर में सुख शांति, मेरे पति की लंबी उम्र करो। छठ पर्व के संदर्भ में जो बातें हैं, जो शास्त्रोक्त बातें हैं, शास्त्र जो कहता है, शास्त्र वो ये कहता है कि यह पर्व जो है त्रिदिवसीय है मुख्यतया, और त्रिदिवसीय कार्यक्रम में जो महिलाएं होती हैं उनका मुख्यतया आज से उनका त्यौहार प्रारंभ हो चुका है। आज जो हमारी उत्तर भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं, देवियां हैं, पुरुष हैं, वो लोग खरना के नाम से जानते हैं। खरना आज दिन भर उपवास रखती हैं और संध्या समय रात्रि में 8 बजे के आसपास में वो खीर और रोटी का भोग लगा करके और तब जो है वो प्रसाद को पाती हैं और लोगों को पवाती हैं।